अस्सलामुअलैकुम, मैं उदिल अहमद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक टिप्स नए देख टीवी। आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इलेक्शंस ऑफिस का पास्ट पेपर किस तरीके से चेक कर सकते हो और वो किस तरीके से चेक कर सकते हो, कौन से सिलेबस की कितनी मार्क्स हैं और कौन सारे रिक्वायरमेंट क्या हैं, किस तरीके से आप पेपर को हल कर सकते हैं, कौन से सवाल आएंगे जो एक पास्ट पेपर में आए थे और वो अगले पेपर की तैयारी में अगर आपने देखे आने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल कंप्यूटर टेक टिप्स बे दिल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन की है टॉप आईटी वर्ल्ड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड फ्री पास्ट पेपर ऑफ इलेक्शंस ऑफर 2021। तो आप नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद ये देख सकते हैं आप, द फॉलो इज़ द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इज द ट्रीम्स ऑफ द स्टैंडर्ड सिलेबस बाय द इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान व्हिच इंक्लूड, जो शामिल है इसमें इंग्लिश 30 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन मनी आइन जो पाकिस्तान का आइन है 1973 पार्ट 1 पार्ट 2, इलेक्शंस एक्ट 2017 30 मार्क्स, और ये इस्लामियत में 10 और पाकिस्तान अफेयर में 10, ये हो गए 80 और 10 इसमें 100, टोटल 100 मार्क्स हैं जिसमें से 30 इंग्लिश के हैं, 30 ये कॉन्स्टिट्यूशन मानी आइन के हैं, आइन के बारे में सवाल 30 मार्क्स उसके हैं, 60 और इस्लामियत के 10 70, इसमें से पाकिस्तान अफेयर के 10 80 और करंट अफेयर्स प्री एंड पोस्ट कोविड इसमें से आएंगे, और यहाँ एवरी डे साइंस जो आप साइंस पढ़ रहे हैं उसमें से आएंगे, ये आपके 100 मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं वो ये हैं 100 मार्क्स, जिसमें से 10-10 जो डिवाइड किए हैं सारे सिलेबसों में। अभी आप वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने किस तरीके से पास्ट पेपर को आप पढ़ कर अपने सिलेबस को आसान बनाना है। तो आपको जैसे आप यहाँ देखिए, आप मैं ऊपर गया, आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड पास्ट पेपर आपको यहाँ ही लिंक ये मिल जाएगी, आपने इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इलेक्शन ऑफिस पास्ट पेपर पीडीएफ, ये जो हमारा पास्ट पेपर ये पीडीएफ में हो चुका है। इस तरीके से आप सारा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, सारे पेपर को आसानी से पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरह रीड कर लेना। ये देखिए द टाइम पीरियड ऑफ द सेंट्रल इज द 6 ईयर्स, ये आप सारे सवाल ये जवाब आते हैं। इस तरीके से आप इसका पास्ट पेपर देख सकते हो, और आपने अगर प्रिंट वगैरह करना है तो यहाँ से प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो पर अच्छी व्यूज़ आ सके और हमारा दिल खुश हो सके और हम नई वीडियो आपके लिए दिन ब दिन बनाते जाएं।